अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना में होने वाले इंतखाबात को लेकर आज सच न्यूज़ आपके सामने पेश करेगा हल्के बहादुरपुरे का सर्वे। नाजरीन, हम आपको बता दें कि सच न्यूज़ हमेशा पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया रिस्पॉन्स, ग्राउंड वर्क और पिछले इंतखाबात और इस वक्त के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए सर्वे करता है और प्रेजेंट सिचुएशन यानी इस वक्त के हालात को देखकर क्या सामने आ रहा है। पहले कैंडिडेट्स के नाम आपके सामने हम रख देते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन से मौजम खान को इस बार टिकट दिया गया है और टीआरएस से इनायत अली बाखरी को, और अभी महाकुटुंबी ने अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया है। और अगर सर्वे को देखा जाए तो यहाँ से मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन भारी भरकम वोटों से जीत हासिल कर सकती है। हम आपको ले चलते हैं 2014 के इलेक्शंस की ओर, जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन से कैंडिडेट थे मौजम खान, जिन्होंने 1,06,000 प्लस वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी। टीडीपी से मोहम्मद अब्दुल रहमान ने यहां पर 11,000 प्लस वोट हासिल किए थे। कांग्रेस से अब्दुल समी ने यहां पर 4,000 प्लस वोट हासिल किए थे और टीआरएस से मोहम्मद जियाउद्दीन ने यहाँ पर 3,000 प्लस वोट हासिल किए थे। और अब हालात को देख कर जिस तरह मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के आए दिन बहादुरपुरा हल्के में दौरे हो रहे हैं और जलसे हो रहे हैं और जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन को बहादुरपुरे से मिल रहा है, उसे देख कर लगता है कि बहादुरपुरा एक इजी विन होने वाला है मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के लिए और मौजम खान के लिए। नाजरीन, हम आपको बता दें कि पिछली बार भी मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने मौजम खान को टिकट दिया था और एक साफ सुथरे कैंडिडेट है मौजम खान, आवाम के बीच काम करने वाली शख्सियत का नाम मौजम खान है। पर अब जीत किसकी होगी इसका फैसला तो 11 दिसंबर को ही होगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। तो आपके शहर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।